एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हमने इस छोटे चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच तेल डाले हैं सरसों का, और हमने इस तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है हाई फ्लेम पर। और हमने जो साबूदाने हैं वो रात को ही भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि हम ये जो भी रेसिपी बना रहे हैं वो मैं सुबह बना रही हूँ, इस वजह से हमने इसको रात में ही भिगो कर रख दिया था। फ्रेंड्स, आप जब भी आपको साबूदाने की खिचड़ी बनानी हो तो 4 से 5 घंटे पहले आप साबूदानों को भिगो कर रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया है। उसके बाद हमने इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे राई। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जीरा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। ये हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज और 2 हरी मिर्ची काट कर इसमें डाल दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मूंगफली के दाने। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको आपको ये सब पसंद नहीं है मूंगफली के गुने, तो आपको ज़रूरी नहीं है आप नहीं भी डालें। फ्रेंड्स, अभी सर्दियां नहीं हैं, अगर सर्दियों में तो आप मटर, गाजर, बहुत सारी चीज़ें आती है जो आप इसमें डाल सकते हैं खिचड़ी में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे, तब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छी तरीके से आप इसको पका लेंगे, लेकिन इसलिए चला रही हूँ मैं ताकि प्याज है जो अलग अलग हो जाए और सारे अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे तरीके से ये पक रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, आप जिस किसी की भी रेसिपी देखते हो तो प्लीज़ उसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, सब जिससे कि सबकी हेल्प हो आपके साथ साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये रेसिपी आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। ये देखिए फ्रेंड्स, सच्ची में फटाफट बनने वाली खिचड़ी है। बिल्कुल 10 मिनट में आपका जो नाश्ता है, आपका ब्रेकफास्ट है, वो बिल्कुल चुटकियों में रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ये सब भी नहीं डालें, फटाफट से प्याज, हरी मिर्च काट के छोंक दे तो। ये देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ये देखिए हमारे फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमारे ये जो प्याज और हरी मिर्चें पक चुके हैं, और इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। ये देखिए फ्रेंड्स, जल्दबाजी में मैंने बारीक तो काटे नहीं, ऐसे ही काट के फटाफट से। मेरे हस्बैंड को ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था, तो फ्रेंड्स मैंने देखी फ्रेंड्स जल्दी जल्दी काट कर ऐसे ही डाल दिए हैं 2 टमाटर। अब इसे हम इसमें डालेंगे हम मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने आधा चम्मच थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाला है 1/2 चम्मच। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें सिर्फ एक चुटकी धनिया पाउडर डाला है, हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है फ्रेंड्स 1/2 चम्मच, और इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है थोड़ा सा। फ्रेंड्स, मैं जब भी कुछ भी चीज़ कोई भी डिश बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, उसमें लाल मिर्च कम और काली मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि वो सेहत के लिए भी हेल्दी होते हैं, आँखों वगैरह के लिए भी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सब तरह सीखा, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। फ्रेंड्स, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे मसालों को इसमें अच्छी तरीके से मिला लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही पानी डाला है ताकि हमारा मसाला जले ना। अब हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है मैगी मसाला। आप पास्ता मसाला अगर डालो तो ठीक, नहीं डालो तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मुझे मैगी मसाला बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कोई नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो इस वजह से मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है। फ्रेंड्स, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है, हमारे टमाटर है, अच्छे तरीके से पक गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। साबूदाना हमने एक छलनी में जो है वो उसके लिए रख दिए थे, देखिए फ्रेंड्स, ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। अब हम इन साबूदानों को इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीला पीला इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने इसके ऊपर चम्मच रख दिया था तेल का। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें सारे साबूदाने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आप जब भी किचन में काम करो तो बिल्कुल सावधानी से बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करना, क्योंकि कभी कभार जो नए होते हैं किचन में काम करना नहीं आता, जो सीख रहे होते हैं उन्हें बहुत किचन में बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि फ्रेंड्स किचन में काम करना ऐसी बहुत आम बात नहीं है, क्योंकि बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, वरना आप छोटी छोटी चीज़ों से भी जल जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले फ्रेंड जब मैं नई नई काम करना सीखा था तो मैं भी बहुत जलती थी, इसलिए मैं फ्रेंड्स मैं सबको यही सलाह दूंगी, तो आप केयरफुली होके अपने किचन में काम कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए, ताकि इसमें जो पानी है बचा हुआ वो सारा उड़ जाए, वो सारा अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तो अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही बोलती हूँ, पानी उड़ जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे आपको ढकना नहीं है फ्रेंड, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना अच्छा कलर आया है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमें इसे ज़्यादा देर के लिए भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारी जो खिचड़ी है नीचे से लगने लग जाती है, साबूदाना बहुत जल्दी लगने लग जाता है, तो इस वजह से हमको अच्छी तरीके से नीचे से तलवे में से इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से अटारना है, हिलाना है मतलब। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छी तरीके से थोड़ा सा ताकत लगा के इस तरीके से हिलाना है, ताकि ये नीचे तलवे में लगे ना कढ़ाई के। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आपको इसी तरीके से 5-6 मिनट तक हिलाते ही रहना है, ताकि इसमें से जो नीचे से सारा पानी अच्छे तरीके से भाप बनकर उड़ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो खिचड़ी है उसने तेल छोड़ दिया है, और कितना अच्छा इसमें कलर आया है फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ये पक रही है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप जब इसको बनाओगे इस रेसिपी को, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, आपको फटाफट से बहुत अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी खिचड़ी है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स अच्छी तरीके से पकाना है, कि इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया तो आपको ये अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा सा ऐसा लेड वो नहीं होता, थोड़ा सा गीली गीली सी अलग ही लगती है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो खिचड़ी है इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है, हाय हाय मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है अभी से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर एकदम बिल्कुल सर्व के लिए रेडी है।